नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गीता और मेरे चैनल इंडियन भोज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढाबा स्टाइल गोभी आलू की सब्जी, जो हर पार्टीज में पसंद की जाती है और जो सभी को बहुत बहुत पसंद आती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए चलते हैं रेसिपी की ओर। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ढाबा स्टाइल आलू गोभी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा प्याज काट कर धुलकर साफ कर लेंगे और उसको जो मिक्सर जार होता है उसमें डाल लेंगे और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ भी डाल लेंगे और थोड़ा सा छीलकर अदरक डाल लेंगे काटकर। इन सबको हमें दरदरा पीसना है तो इनको हम दरदरा पीस लेते हैं। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह से पीसना है जैसे मैंने पीसा है, हल्का दरदरा। इनको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और दूसरी बार में हम 4 से 5 हरी मिर्च, 2 बड़े टमाटर कटे हुए, इनको भी पीस लेंगे। सभी सब्जियां जो है हमने धुलकर साफ कर अच्छे से ली है और इसको भी हम दरदरा पीसेंगे इस तरह से। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, आप देख सकते हैं इसमें टमाटर के और हरी मिर्च के पीसेस अलग अलग दिख रहे हैं, इनको भी हम पीस लेंगे। और अब हमने जो गोभी और आलू, तो यहाँ पर मैंने 1/2 किलो गोभी और 2 बड़े आलू लिए हैं जिनको मैंने बड़े बड़े पीसेस में काटा है। गोभी को अच्छे से धुल लें और इसको थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि इसमें पानी की बूंदें ना रह जाएं, क्योंकि हमें इन्हें फ्राई करना है। तो पानी की बूंदें रह जाएंगी तो पानी में बहुत ज़्यादा चटकेंगी। तो अब हम इनको डीप फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल रख देते हैं गर्म होने के लिए और चेक करेंगे कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। उसके लिए एक आलू का टुकड़ा डालेंगे, ऑयल गर्म हो गया है, थोड़े से आलू भरकर डाल देंगे। इनको हमें ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, हमें इनको बिल्कुल हल्का सा ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है, जो कि 2-3 मिनट में हो जाता है। और इसके लिए हम फ्लेम को मीडियम से हाई रखेंगे, लो फ्लेम पर नहीं रखेंगे। धीरे धीरे ये हो जाएंगे, देखिए हमने इतने ही ब्राउन करने हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इनको। और अब हम इनको निकाल लेंगे किसी भी किचन टेबल पे। थोड़ी देर हम इसको इस तरह से किनारे पर रोक लेंगे ताकि जो ऑयल है वो निकल जाए और बाकी जो ऑयल है वो हम किचन टॉवल पे रिमूव कर लेंगे। इसी प्रकार हम बाकी के आलू के पीसेस भी निकाल लेते हैं। दोस्तों, जो ये रेसिपी है मैं एग्जैक्ट बता रही हूँ आपको, जो पार्टीज़ में हम लोग खाते हैं या ढाबा या रेस्टोरेंट में जाके हम खाते हैं आलू गोभी, ये एग्जैक्ट सेम वही रेसिपी है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है और इसका टेस्ट भी वही है। इसी तरह से आप मिक्स वेज भी बना सकते हैं, वो भी इसी तरह से बनती है। गोभी को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, वेजिटेबल हमारी फ्राई हो गई है। अब जो पैन में एक्स्ट्रा ऑयल था उसको निकाल लेंगे, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल छोड़ेंगे और उसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे चटकने के लिए और थोड़ा सा हींग डाल देंगे चुटकी भर। जैसे ही जीरा चटक जाता है तो जो प्याज हमने पीस कर रखा था उसको भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर इसको भुनने देंगे और अच्छे से भूनने के लिए इसमें मैं 1/2 चम्मच नमक डालूँगी। नमक डालने से प्याज थोड़ा सा अच्छा टेस्ट छोड़ती है और जल्दी से जल्दी भी भुन जाती है। तो इसमें मैं 1/2 चम्मच नमक डाल दूंगी और इसको मिलाकर थोड़ी देर भुनने दूंगी।
दोस्तों हमारी प्याज भुन गई है, तो मैं इसमें एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और उसके बाद अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। मैं कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालूंगी इसमें, नॉर्मल मसाले। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया कुटा हुआ, आधे से थोड़ा सा कम गरम मसाला और एक पिंच कुटी हुई काली मिर्च और दो चम्मच जो हमारी कसूरी मेथी होती है मैंने वो डाली है यहाँ पर। और इन सबको मिक्स कर देंगे। बस मैंने मसालों में यही सारी चीज़ें यूज़ की हैं, कुछ एक्स्ट्रा मसाले नहीं यूज़ किए हैं। इनको अच्छे से भुनने देते हैं और जैसे ये भुन जाते हैं उसके बाद हम टमाटर की जो हमने प्यूरी बनाई थी उसको मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से भूनेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि मसाले अच्छे से एक दूसरे पर कोटेड हो जाएं। थोड़ी देर इनको भुनने देते हैं, मसालों को अच्छे से भुन जाने देते हैं। और उसमें मैं थोड़ा सा आधा चम्मच नमक और डालूंगी क्योंकि पहले मैंने आधा चम्मच डाला था जो कि सब्ज़ी के लिए कम था। आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें नमक। हमारे मसाले तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें जो हमारी तली हुई आलू गोभी है उसको डाल दूंगी और उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मसालों के साथ। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाले अच्छे से कोट हो जाएं एक दूसरे पर। अच्छे से मिलाएं। यहाँ पर गैस फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है क्योंकि लगभग हमारी सब्जी बन चुकी है। बस इसको 2 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि मसाले सब्जियों के अंदर भर जाएं। 2 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को अच्छे से चलाएंगे ताकि सब्जी नीचे ना लग जाए। लगभग हमारी सब्जी रेडी है। बस अब हमें इसे हरे धनिए से गार्निश करना है, तो हम इसे नीचे उतार लेते हैं और इसमें हरे धनिए की पत्तियां मिला देते हैं। इसको मिक्स करने के बाद हम सब्जी को एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो देखिए तैयार है हमारी ढाबा स्टाइल आलू गोभी की सब्जी। दोस्तों ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं इसका फ्लेवर, इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये खाने में बहुत यम्मी है और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। तो दोस्तों आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करें, अपने घर पर ज़रूर बनाएं और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।